इस वीडियो में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज अपने पिता नवाज शरीफ के पैर छूते हुए नजर आ रही हैं, और अब ये वीडियो एक्स पर काफी वायरल है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये कौन से धर्म का हिस्सा है जहां लोग पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। जाहिर सी बात है कि ये हिंदू धर्म में ऐसा है जब हम अपने बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के पैर छुए तो बवाल मच गया। अब लोग पूछ रहे हैं मरियम नवाज से कि आखिर वो कौन सा धर्म मानती हैं? क्या वो हिंदू धर्म या फिर हिंदू रीति रिवाज को मानती हैं, या फिर वो वाकई में मुस्लिम हैं? मरियम नवाज को पैर छूने को लेकर टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने अब इतिहास रच दिया है। वो पाकिस्तान के पंजाब सूबे की पहली महिला मुख्यमंत्री चुनी गई हैं, और मरियम वर्तमान में PMLN की वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद मरियम नवाज ने कहा है कि उनकी सरकार बदले की कार्रवाई नहीं करेगी, और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा भी उन्होंने किया है। मरियम नवाज को पंजाब विधानसभा में 220 विधायकों का समर्थन मिला है। आपको बता दें कि लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि मरियम नवाज को जानबूझकर सेना ने धोखेबाजी से जिताया है, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठ चुकी हैं। जब वो असेंबली में पहुंची तो वहां पर मौजूद सभी विधायकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, और मरियम नवाज और नवाज शरीफ के नारे लगाए गए। फिलहाल पंजाब की सत्ता पर काबिज होने के बाद अब मरियम नवाज का नाम काफी सुर्खियों में है, और उसी के साथ सुर्खियों में है ये वीडियो जहां पर वो अपने पिता नवाज शरीफ के पैर छूकर आशीर्वाद ले रही हैं। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर मरियम नवाज की प्रोफाइल क्या है और कब उनका जन्म हुआ। उनका जन्म 1973 में पाकिस्तान के लाहौर शहर में हुआ, और वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं। मरियम ने साल 2012 में राजनीति में कदम रखा, और पार्टी के चुनाव अभियान का प्रभारी के रूप में चुने जाने पर मरियम ने साल 2013 के पाकिस्तान चुनाव में PMLN को जीत दिलाई। उसी साल उन्होंने प्रधानमंत्री युवा कार्यक्रम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हालांकि लाहौर उच्च न्यायालय में उनकी नियुक्ति को चुनौती दिए जाने के बाद उन्होंने 2014 में इस्तीफा दे दिया। 2017 में पनामा पेपर्स घोटाले मद्देनजर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मरियम को सार्वजनिक पद संभालने से अयोग्य घोषित कर दिया था, और अब वो बन गई हैं पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री और पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री, और नवाज शरीफ के परिवार की चौथी सदस्य जो पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।